घायलों के परिजनों ने जिला चिकित्सालय में किया हंगामा। बाइक चला रहे दो बच्चों को कार ने मारी टक्कर। शिवपुर जिला चिकित्सालय में मल्होत्रा निवासी दो बच्चों की बाइक चलाते वक्त कार से भिड़ंत हो जाने से दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजन इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां जिला चिकित्सालय में घायलों के इलाज के दौरान परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि डॉक्टर ने घायल दोनों बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद उनके सिटी स्कैन के साथ ही एक्सरे भी करवा दिया, मगर घायलों को रेफर किए जाने के दो घंटे बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं आई तो परिजनों ने हंगामा कर दिया। वहीं बताया जा रहा है कि घायल दोनों बच्चे घर का आटा पिसवा कर बाइक से मल्होत्रा जा रहे थे कि आबादी पंजाबी स्कूल पर कार से बाइक के टकरा जाने से दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। पांडे जी, क्या मामला है? बच्चों के साथ एक एक्सीडेंट का मामला आया, क्या मामला है और घटना कैसे घटित हुई? हाँ, ये लड़के आटा पिसा के जा रहे थे मल्होत्रा, तो ये पंजाबी स्कूल आबादी पंजाबी स्कूल के पास कोई जीप ने इनको टक्कर मार दी। बाइक पे थे दोनों लड़के, ये एक का नाम निरंजन गिरराज 13 साल का है, बंजारा निवासी मल्होत्रा, और दूसरे का नाम है राहुल भगवान दास 15 साल इसकी उम्र है, ये भी मल्होत्रा का रहने वाला है। तो ये इनके पैरों वैरों में फ्रैक्चर सा हुआ है, सुबह देखो अभी एक्सरे करवा रहे हैं और इलाज जारी है इनकी। अभी हाल उनके घर वाले भी आ गए, आगे कार्रवाई हो रही है। मामला ये भी सामने आया है कि हॉस्पिटल में अभी जब ये लोग आए तब थोड़ा हंगामा भी हुआ, क्या कारण रहे हंगामा होने के? हंगामा जिसका घायल कोई रहता है तो लोग बाग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी इलाज हो जाए। अब डॉक्टर उपलब्ध है, ये नहीं है कि नहीं है, है। लेकिन अब वो एकदम चाहते हैं एकदम सब कार्रवाई, अभी इतनी जल्दी, अब तो देखेंगे उसको कहाँ चोट लगी है क्या है, तभी तो ले जाकर उसको फिर अब एक्सरे के लिए भेजा है उसको तत्काल। अब जैसी हो वो होगी रिपोर्ट, फिलहाल बता दी जाएगी।